समझ में आया सारे बच्चों को, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है, अब पेप्टाइड पढ़ लिए सर, पेप्टाइड पढ़ दिए, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल बच्चे, आपके लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो बच्चे, ध्यान सुनते रहना, पेप्टाइड क्या होता है। ठीक है, पेप्टाइड क्या होता है, उससे पहले कुछ और टॉपिक है वो आपको लेते हैं। इसका अगर मैं पीएच मान की, अमीनो एसिड ज्यूटेराइन में जो अमीनो एसिड होता है ना, अगर उसकी पीएच मान की वैल्यू मैं बात करूं, तो पीएच वैल्यू मान क्या होता है बेटा, पीएच क्या होता है, ज्यूटेराइन के रूप में होता था। उस अमीनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, मतलब जिस पीएच मान पर उसके अमीनो एसिड की जो आयंस के रूप में होते हैं बेटा, जिस पीएच वैल्यू पर वो ज्यूटर आयन जो है आयंस के फॉर्मेट पे होता है, तो उस पॉइंट को अपन बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। बस इतना आपको याद रखना, और कुछ यहां पे याद रखने की नीड नहीं है। ठीक है, देखो, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा बेटा पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड क्या होता है बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि पेप्टाइड क्या होता है, जहां पे अल्फा एमिनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर, संगनित होकर, संगनन होकर, कंडेंसेशन होकर क्या होता है बेटा, वहां पे एक जो है यौगिक का फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक जो है हमारे जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, उसको पेप्टाइड बोल देंगे। अपन को पढ़े हुए अभी अभी, ठीक है, अभी अभी पढ़े अमीनो एसिड के संगठन उत्पाद को ही क्या बोलेंगे बच्चा, पेप्टाइड बोलेंगे। मतलब हमारे पास ऐसे होंगे भाई, हमारे पास ऐसे अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो एक दूसरे के साथ मर्ज होते जाएंगे, बनते जाएंगे, और बनने के बाद एक पेप्टाइड बना देंगे। क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। ठीक है, जो बनेगा, जो लास्ट में जो बनेगा बेटा, उसी को हम लोग पेप्टाइड बोलेंगे। अब ये देखो कि एक पेप्टाइड, एक जो अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड का कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा, कुछ ना कुछ जो है लिंक रखेगा, उसी लिंक को बोलेंगे भैया हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड की इकाइयों को, यूनिट्स को जोड़ने वाले बंध को ही क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति भयंकर, भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट बच्चे, आपको ये याद होना चाहिए। समझ में आया मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, आपके जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात किया, अब मैं अम्ल के बारे में बात करूं, तो अम्ल क्या होता है बेटा, COOH यही होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा हुआ है। हमारा जो क्षार होता है बेटा क्या होता है, NH2 होता है, कि बीच में संगठन से क्या होता है, फलस्वरूप ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये सारी चीज फंडामेंटल भाई, इतना बार बार पढ़ रहा है इसी को, इतना सारी चीजें आपको याद होगा ना भाई, आप लिख दोगे, पूरा छाप दोगे पेपर के अंदर, समझ आया, 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, समझ में आया। ये आपको जो कुछ डेफिनेशन है, इसको आप डेफिनेशन को फटाफट नोट कर लो, या फिर भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, अगर देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक अमीनो एसिड है, मेरे पास एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की मैं बात करूं, ठीक है, अमीनो एसिड की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास एक एमिनो एसिड है, मेरे पास दूसरा एमिनो एसिड है, ठीक है, मेरे पास दूसरा एमिनो एसिड है, दो एमिनो एसिड एक साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा, दो लोग हैं तो यहां पे बॉन्ड कितना बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है, कितना बच्चा, एक बॉन्ड बन रहा होगा। अब तीन लोग जो है, अब दो लोग, यहां पे तीन लोग की बात करूं, मैं तीन की बात करूं, तीन एमिनो एसिड बनेगा, तो वहां पे बॉन्ड कितना बनेगा, तीन लोग के पास पहला लिंक दो लोगों को गिरेगा, उसके बाद तीसरा आदमी फिर एक हाथ को पकड़ेगा, तो मतलब वहां पे बॉन्ड कितनी बढ़ रही है बच्चे, दो हमारे का पेप्टाइड बॉन्ड कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। ठीक है, सेम बच्चा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार की बात करूंगा, तो चार में कितने पेप्टाइड बॉन्ड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया क्या मैं बोला, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फंडा समझ आया। अब मोनो है बेटा, ये यहाँ पे दो की बात है, यहाँ पे डाई की बात करूंगा, डाई पेप्टाइड बोलूंगा, यहाँ पे बेटा क्या हमारा तीन है, तो मैं बोलूंगा ट्राई पेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे चाहे तो टेट्रापेप्टाइड। एकदम सिंपल भाई, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, आपको पता चल गया ना, अगर कभी एग्जाम्स के अंदर पूछे भैया टेट्रापेप्टाइड में कितने बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है, तो आप बोल देना तीन पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा का मतलब होता है चार, चार एमिनो एसिड में कितने बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड ही होंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, ठीक है, एकदम, हाँ, यहाँ पे कोई एकदम भयंकर चीज नहीं है भैया। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलो तो बच्चे, हम लोग यहाँ पे जो है पूरा पेप्टाइड बॉन्ड जो है कैसे बनता है, आखिर पेप्टाइड जो है कैसे बनता है, वहां पे बच्चे पूरा का पूरा हम ओवरऑल स्टडी कर चुके हैं। अब बच्चे मैं आपको जो आखिरी में स्ट्रक्चर कैसे बनता है आखिर पेप्टाइड का जो है, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से अगर सुनो बच्चे, तो यहाँ पे मैं आपको बोला हुआ हूं कि हमारा जो एमीन होता है बेटा, ठीक है, एमीन एसिड जो होता है, जहां पे जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एमीन ग्रुप होता है, वो दोनों बॉन्ड बना के क्या बने बच्चे, वो दोनों बॉन्ड बना के क्या करते हैं, हमको जो है एमीन, अल्फा एमीन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को इतनी सारी चीजें। अब देखो, जब अल्फा एमीन जो है फॉर्मेशन किया, तो वहां पे जब जल का विलोपन होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा, जल का विलोपन होगा, जल का विलोपन होने से क्या बच्चे, हमको जो CONH का फॉर्मेशन होगा, CONH का फॉर्मेशन होता है, तो यही फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसा पेप्टाइड बनता है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसके बारे में यहां पे क्लियरेंस करने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब ये एग्जाम्स के अंदर आए बच्चे, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है बना के आना है और सारी चीजें एक्सप्लेनेशन करके आनी, तभी आपको 3 नंबर मिलने वाला है प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो,
यहाँ पे मैं अल्फा एमीन की बात करूं तो हमको अल्फा एमीन में क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनते रहना ठीक है। हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, NH2 CH CH, और यहाँ पे बेटा R जो होता है R, उसके बाद COOH होता है बेटा। क्या होता है? COOH। इसको अपन जो नया स्लाइड में फटाफट जो है अच्छे से ले लेते हैं, देखो तभी हमको अच्छे से समझ आएगा, क्लियर है सारे बच्चों को? देखो फटाफट, ये देखो भाई क्या है हमारा NH2, ठीक है NH2 CH R, ये क्या हुआ बच्चा हमारा, हुआ COOH। अब देखो ये मेरा क्या है, एक अल्फा एमीन ग्रुप है, अब इसी के साथ एक और अल्फा एमीन ग्रुप आएगा ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चा ठीक है, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो NH2 ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हम वापस से फिर से लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट अल्फा एमीन होने वाला है बच्चे ठीक है। क्या हुआ? COOH और यहाँ पे R ग्रुप रहेगा ठीक है। अब यहाँ से देखो इस तरीके से जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अल्फा एमीन ग्रुप क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब जुड़ा कैसे रहता है उसके बारे में बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनते रहना ठीक है। अब यहाँ से जब रिएक्शन होगा प्यारे बच्चे, तो रिएक्शन होने पर क्या होता है हमारा जो H2O होता है, H2O ये क्या हो जाता है, विलोपित हो जाता है, निकल जाता है, मैंने माइनस लगा दिया, H2O यहां से निकल जाएगी, इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में H2O निकल जाएगी, ध्यान से सुनते रहे ना, H2O निकलेगी। जब H2O निकलेगी प्यारे बच्चे, तो यहां से क्या हो जाएगा, H2O निकलेगा तो मेरे को मिलेगा CO, यहाँ पे CO निकल जाएगा ठीक है। OH निकला, यहाँ से OH निकला, और यहाँ से एक H निकल गया, क्या बच्चा, यहाँ NH2 में से एक H निकला और COOH में से ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकल गया, तो फॉर्मेशन किसका हुआ, H2O, और ये क्या हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। जब विलोपित होगा तो बच्चे हमको क्या मिलेगा, CO यहाँ से बचा है, CO ये वाला बच्चा है CO, और NH यहाँ से बचा हुआ, तो NH करके यहाँ बच्चा यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन होगा किसका, CONH का, किसका होगा, CONH का। और यहीं पे बेटा हम लोग का क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्या बच्चा, पेप्टाइड ठीक है, पेप्टाइड क्या होता है बेटा, पेप्टाइड ठीक है, पेप्टाइड क्या होता है, बंद होता है, पेप्टाइड बंद यहीं पे हमारा जो है बनता है, क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहने वाला है, इसके बाद के स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा, CH, इसके लिए CH R CH R COOH ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चा, ध्यान से देखो, ध्यान से ठीक है, यहां पे हुआ CH CH R CHR बेटा NH2 ठीक है, NH2 ठीक है। अब देखो ये NH2 मैंने लास्ट टाइम में COOH इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बाद जब और स्ट्रक्चर आएगा अल्फा एमीन का और स्ट्रक्चर आएगा तो सेम यही से फॉर्मेशन होगा ठीक है, सेम फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा, सेम फॉर्मेशन इस साइड भी होगा ठीक है। लेकिन हम जो सिर्फ दो ही की बात कर रहे हैं, डाइपेप्टाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने दो स्ट्रक्चर बना के दिखाया, अगर वहां पे बहुत सारी चीजें होगी तो मैंने आपको अभी भी बोला हुआ है कि बच्चे वहां पे डाइपेप्टाइड में एक जो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ट्राइपेप्टाइड में बच्चा दो बॉन्ड बनता है, और जो टेट्रापेप्टाइड पे बच्चे हम लोग का जो है तीन बॉन्ड बनता है ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से हमारा क्या बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा, इस प्रकार से बच्चे पूरा का पूरा पेप्टाइड बॉन्ड आपको जो है क्लियर हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ये एग्जाम्स में आते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको इसको पर तरीके से करके जाना है ठीक है, समझ में आया सारे बच्चे? चलो बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, अब प्रोटीन के एक्चुअल जो है फंडे पे आते हैं कि प्रोटीन क्या कर रहा है ठीक है। ये सारी चीजें हमारे स्ट्रक्चर हुई, हमारे आंतरिक संरचनाएं हुई, केमिकल इक्वेशंस हुए, सब चीज आपने पढ़ लिए ठीक है। अब हमारे जो फिजिकल लेयर पे देखते हैं, हम जो देखते हैं प्रोटीन आखिर क्या है उसके बारे में बात करता हूं। प्रोटीन क्या है बच्चा, प्रोटीन के टाइप्स की बात करूं, वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, तो उसको दो तरीकों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला जो तरीका होता है प्यारे बच्चे वो होता है रेशेदार तरीका और रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा जो तरीका होता है बेटा वो क्या होता है, गोले के आकार का प्रोटीन सिंपल बात। अब बात समझो, जो मैं रेशेदार प्रोटीन के बारे में बात किया, तो रेशेदार प्रोटीन में क्या हो रहा है, रेशेदार प्रोटीन में मतलब एक जो हमारा प्रोटीन रहेगा वो रेशे की आकार का रहेगा, एक सिंगल रहेगा रेशे की आकार का रहेगा ठीक है, रेशे के आकार का रहेगा। तो यहां पे लिखना क्या है भैया अपन को, इसमें जो अणु रहते हैं बेटा वो रेशे के आकार का होता है, इसमें गोलिकाकार बोले मतलब गोले के आकार में होंगे, सिंपल बात फंडा ठीक है। अगर बात करूं बेटा रेशेदार में क्या होता है, रेशेदार में कुंडली संरचना होती है, कुंडली संरचना बिल्कुल बच्चे कुंडली संरचना होगी, और यहां पे बेटा त्रिविम आकृति पाई जाती है, क्या बच्चा त्रिविम आकृति पाई जाती है ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा रेशेदार आकृति की मैं बात करूं, तो रेशेदार में क्या होता है, ये जल में तथा जल में अघुलनशील होते हैं, रेशेदार के होते बच्चे क्या होता है, जल में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है भाई, उसको घुलना पसंद नहीं है जल में ठीक है, वो घुलते नहीं है, तो क्या करेगा अघुलनशील रहेगा, और हमारा जो गोलिकाकार जो प्रोटीन होगा बच्चे वो क्या करेगा जल में घुलनशील होता है ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो बेटे यहां पे देखना ध्यान से, जो आपकी त्वचा की मैं बात करूं बेटे ठीक है, त्वचा बाल में जो होते हैं बेटा कैरोटीन होता है, बाल में क्या होता है कैरोटीन होता है, आपके मसल्स को जो आपको स्ट्रॉन्ग जो बनाता है बेटा वो मायोसिन प्रोटीन बनाता है स्ट्रॉन्ग ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और कुछ आपको तरीके है बाल और त्वचा के लिए ठीक है। सेम इसी प्रकार से बच्चे अंडे में जो एल्ब्यूमिन होता है ठीक है, अंडे में क्या बच्चे एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो हमारा प्रोटीन होता है
क्लियर है। मैं अंडे के एग्जांपल यहाँ पे जो आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे चीजें होती है, इंसुलिन बच्चे एंजाइम्स ये सारे हमारे जो है गोली का प्रोटीन के एग्जांपल्स है। क्लियर है सारे बच्चों, तो ये आपको फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेते हो फटाफट ठीक है। अब सारे बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर भैया हम सारे प्रोटीन तो पढ़ लिए लेकिन आखिर प्रोटीन की संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमको समझाइए। तो बच्चे लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस प्रोटीन के सेशन का, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या मैं बोला, इसको एग्जाम से पूछा गया बच्चा, प्रोटीन के द्वितीयक संरचना को समझाइए, तृतीयक संरचना को समझाइए, तो आपको यह समझना होगा कि आखिर यह संरचना बनती कैसे है। समझ में आया, फटाफट देख देखो बच्चे ठीक है। अगर मैं प्रोटीन की संरचना की बात करूं बेटा, तो प्रोटीन की संरचना हम लोग चार तरीकों से बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक ठीक है, चतुर्थक ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और बेटा क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ठीक है, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। ये चार स्ट्रक्चर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। मैं पहले जो है पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूं, पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है आखिर देखो बच्चा पहले स्ट्रक्चर अपन को क्या बताता है, पहले स्ट्रक्चर जो हमारा बेस होता है बेटा, क्या होता है बेस होता है, पहले स्ट्रक्चर जो हमारा क्या होता है बेस होता है, मतलब मैं बोलूं ये हमारा क्या फंडामेंटल होता है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चे, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे फंडामेंटल प्रोटीन होता है। अगर ये प्रोटीन चेंज हो गया ना बच्चे, तो हमारे बॉडी में हमारे जो है हीमोग्लोबिन, हमारे सेल्स में बेटा बहुत सारे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत गजब एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान सुनते रहना ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा, अगर हमारे पास एक वर्ड है क्या बेटा, टार, क्या बच्चा टार, तो ये स्टार वर्ड से आप क्या सीख रहे हो, स्टार वर्ड से आप क्या सीख रहे हो, स्टार वर्ड से आप सीख रहे हो कि टार एक किसे, एक टार जो है ना सर वो क्या होता है, एक कोल होता है, एक कोयले की तरह होता है टार, इसे यही मीनिंग आ रहा है, इसे यही मीनिंग आ रहा है बेटा। अगर मैं स्टार के वर्ड को थोड़ा आगे पीछे कर दूं, आर ए टी कर दूं रेट, अब क्या होगा बच्चे, ये रेट होगा, रेट का मतलब चूहा होता है सर, बिल्कुल बच्चे। अगर मैं इसको ए आर टी कर दूं, आर्ट कर दूं, तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, मतलब अगर मैं कोई भी सीक्वेंस को अलग करूं, यही मान लो कि ये मेरा प्रोटीन है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक बहुत प्राथमिक स्ट्रक्चर है ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, सारे जो प्रोटीन है बेटा उसका फंडा भी चेंज हो जाएगा, याद रखना। अगर प्राथमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, पूरा का पूरा जो हमारा सेल्स है, हमारे जो एसिड्स है, पूरा वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं कि टार जो है, टार क्या होगा, इससे अलग मीनिंग आ रही है, रेड से आपको अलग मीनिंग आ रही है ठीक है, आर्ट से अपन को अलग मीनिंग आ रही है, कलर की मीनिंग आ रही है ठीक है। अगर मैं इसको सीक्वेंस को आगे पीछे करूंगा तो इसकी मीनिंग भी बदल जा रही है। सेम फंडा अगर मैं प्रोटीन के सीक्वेंस को आगे पीछे कर दूं बेटा, तो वहां पे भी हमको बहुत सारी जो है सीरियस डिजीज होने की संभावना होती है। क्या होती है बच्चे, सीरियस डिजीज होने की संभावना होती है, बताता हूँ ध्यान से सुनना ठीक है। अगर बच्चे मेरे हीमोग्लोबिन में ठीक है, हीमोग्लोबिन जब आप बुक को चेक करोगे तो आपके हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां में बेटा आपको जो है, या में बेटा ग्लू ठीक है, जब ग्लू ये जो आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सॉरी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आएगा, तो आपके जो है एक ग्लू वाला पॉइंट आएगा ठीक है। इस ग्लू वाले पॉइंट को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं किससे, वॉल से, क्या बेटा एक वॉल से इंटरचेंज कर दूं ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन के नंबर से इंटरचेंज करूंगा, इसको ऊपर लेकर आऊंगा और इसको ऊपर लेके आऊंगा। अब देखा बेटा ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है बच्चे ठीक है, इसको ध्यान सुनना, ये मेरा हीमोग्लोबिन है, क्या बच्चा एचबी, मेरा एचबी की बात करूं ठीक है, ये मेरा हीमोग्लोबिन है ठीक है, ये मेरा क्या है हीमोग्लोबिन का फंडा है। इसके आगे और भी सीक्वेंस रहते हैं भाई, इसके आगे और सीक्वेंस रहते हैं, इसके पीछे भी सीक्वेंस रहते हैं ठीक है, मैं सिर्फ इसी को लेकर चल रहा हूं। अगर मैं भैया जीएलयू जो ग्लू बैठी भैया, ये इसको मैं चेंज करूं, इस प्रोटीन के सीक्वेंस को चेंज कर दूं किससे, वीएएल वॉल से, तो क्या हो, कोई बड़ा सीरीज हो गया बेटा, कोई बड़ा जो डिजीज हो सकता है, बिल्कुल बच्चे क्या हो, बहुत बड़ा डिजीज हो सकता है। उस डिजीज का नाम है बेटा, उस डिजीज का नाम, उस बीमारी का नाम है क्या, सिकलिन, क्या बेटा सिकल सेल, सिकल सेल। तो सिकल सेल कैसे होता है प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया, आपके जो है प्रोटीन का जो होगा बेटा, आपके जो है ये सेल्स हीमोग्लोबिन से ठीक है, इसके जो इंटरचेंज है, इसके इंटरचेंज से ही क्या होता है बेटा, सिकल सेल की बीमारी होती है, जिसको सिकलिन बोलते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, तो ये बहुत बड़ी बीमारी जो कि हमारे लिए आजीवन रहती है, समझ आया सारे बच्चों को, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। तो ऐसी बीमारी आपको हो सकती है ठीक है, ऐसी बीमारी होती है लोगों को, तो कैसे होती है पता चल गया यहां से, जब प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंजेस होती है, मतलब प्राथमिक प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाती है, तो ठीक है समझ में आया सारे बच्चों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक प्रोटीन के बारे में समझते हैं कि द्वितीयक प्रोटीन आखिर क्या होता है। देखो द्वितीयक प्रोटीन क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की मुड़ी हुई व्यवस्था होती है, क्या बच्चे पॉलीपेप्टाइड की। अब पॉलीपेप्टाइड हमने आपको बता दिया था कि पॉलीपेप्टाइड होती क्या चीज है ठीक है, जहां पे बहुत सारे जो है पेप्टाइड्स बॉन्ड बनते हैं, पेप्टाइड्स आते हैं, वहां पे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे लगभग 100 के हिसाब से ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। अब देखो इसकी अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं बेटा, तो ये स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, ये देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेलिक्स की तरह दिख रहा हो बेटा,
किसकी तरह, हेलिक्स की तरह। तो आखिर बच्ची ये पॉलीपेप्टाइड जो सॉरी ये हमारे जो द्वितीयक संरचना जो होती है वो क्या बताता है आखिर, तो ये बच्चे हमारे अणु के आकार को जानकारी देता है, अणु के आकार की जानकारी देता है, विन्यास के बारे में जानकारी देता है। ये दो तरीके के होते हैं बच्चे, पहला जो तरीका होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा जो तरीका होता है प्यारे बच्चे वो हमारे क्या होता है बीटा, बीटा मूड़ी संरचना, मतलब बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसी को, ठीक है, बीटा प्लीटेड। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पे हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर यहां पे लिख देना, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बेटा बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है सारे बच्चों? तो आपको ये याद होना चाहिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। समझते हैं आखिर क्या होता है इसके अंदर, देखो बच्चे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या है बच्चे, आपको कुछ इस तरीके से स्क्रू का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप लोग क्या करते हो जब स्क्रू टाइट करते हो अपने घर में, जब स्क्रू टाइट करते हो क्या करते हो, एक हाथ में ऐसे पेचकस लेके, ठीक है, एक जो है टेस्टर लेके, जैसे भी आपको स्क्रू टाइट, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से आप क्या करते हो, स्क्रू ड्राइवर से जो है आप स्क्रू टाइट करते हो ना, तो उसी प्रकार ये स्क्रू ड्राइवर सपोज करो अब यहां से अपन टाइट कर रहे हैं, टाइट करें, टाइट, अपने हाथ का जो राउंडिंग क्या हो रहा है आपको स्क्रू टाइप इसे दाहिने साइड पे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना राउंड, तो इसी तरीके से बच्चे आपको समझना होगा कि देखो ये हमारा क्या होगा प्राथमिक वाला, सॉरी हमारा जो पहला अल्फा स्क्रू, ठीक है, अल्फा, अल्फा हेलिक्स स्क्रू, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्क्रू स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है बच्चे, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में स्क्रू की तरह जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अमीनो एसिड जो है बहुत सीक्वेंस में लगे होते हैं, किसकी तरह से स्क्रू की भांति जो है सीक्वेंस में लगा होता है, ये पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इसके लिए, ठीक है, अब बी प्लीटेड में क्या होता है बेटा, बीटा प्लीटेड में क्या होता है, बीटा प्लीटेड में बच्चे ये एक जो है प्लीट की तरह होता है, मतलब प्लीट की तरह, देखो ये इतने बच्चे ये हमारा एक प्लीट है, इतना प्लीट एक हमारा है, ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा फिर मेरे को दूसरा प्लीट मिलेगा, फिर मेरे को तीसरे प्लीट यहाँ पे मिल रही है, इस तरीके से बच्चे ये प्लीट की तरह रहता है, प्लेट, जैसे कि आप करते हो कभी भी कपड़े को आप लोग घिरी करते हो, कपड़े को आप लोग जब घिरी करते हो, ठीक है, कपड़े को जब घिरी करते हो बच्चे तो क्या होता है वहां पे पहला प्लीट ऐसा बनता है उसके बाद ऊपर में दूसरा प्लीट लगता है, ठीक है, जब साड़ी को आप देखे होगे साड़ी क्या होता है पहले प्लीट में ऐसे घिरी करते हैं उसके बाद दूसरा में ऐसे तीसरा चौथा ऐसे करके घिरी होता रहता है, ऐसे गिरी होता है उसी को बोल दिया यहाँ पे प्लीट। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी प्लीटेड फॉर्म पे ही होने वाली है, क्या बच्चे प्लीटेड फॉर्म पे होने वाली है। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्वेश्चन सर्दा नहीं पूछे जाते इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात नहीं करें, अगर यहाँ से क्वेश्चन आते तो डेफिनेटली बच्चे यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात किया जाते कि कैसे चीजें होती है, समझ में आया सारे बच्चों को। हम बच्चे क्या कर रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी बच्चों को एकदम डिटेल में जानना हो तो बच्चे वो क्या करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अल्फा का जो है ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे चीज जो है आपको एकदम डिटेल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी, समझ आया सारे बच्चों को। तो हम जो अभी यहाँ पे एज ए बच्चा एग्जाम सीरीज चला रहे हैं, इस एग्जाम सीरीज में हम लोग क्या करें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बच्चे जिसको आपको जानना जरूरी होता है तो कुछ में से उस टॉपिक का नाम है बेटा ये एक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको भी जानना थोड़ा जरूरी था इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए, अगर इसको जो डिटेल में जाना होता तो हम यहाँ पे चले जाते, ठीक है, क्लियर बच्चे, इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, ठीक है, अब देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करूं, हाँ एक बात याद रखना प्यारे बच्चे कि जब भी हमारा जो है जब भी हम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जाते हैं तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, ठीक है, जो जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है बढ़ती जाती है, समझ में आए, जो डिफिकल्टीज होती है डिफिकल्ट ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूं स्ट्रक्चर के जो कठिनाइयां जो होती है वो क्या होती है बढ़ती जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर टू टर्शियरी स्ट्रक्चर उसके बाद बेटा क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहां से बचे चौथे स्ट्रक्चर तो जाते जाते जो हमारी डिफिकल्टीज है स्ट्रक्चर की प्रोटीन की स्ट्रक्चर की वो क्या होती है बढ़ती जाती है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो यहाँ पे कुछ आपको जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बच्चे किसका है टर्शियरी स्ट्रक्चर का है, सारे बच्चों को समझ आया। उस प्रकार से चौथा जो स्ट्रक्चर होता है बेटा जो हम लोग क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं वो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो यहाँ पे हम चार प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हुए हैं, ठीक है, अब एक टॉपिक और बच्चे हम उसको फटाफट खत्म करते हैं उसके बाद ये पूरा प्रोटीन का फंडा खत्म हो जाएगा, ध्यान सुनते रहना। एक होता है बेटा हमारे पास जो है प्रोटीन का क्या होता है विकृतिकरण, प्रोटीन का विकृतिकरण, एक बात समझो बच्चे अगर मैं जब भी प्रोटीन को डीनेचुरेशन करने की कोशिश करूंगा मतलब उसमें जो अगर मैं टर्शियरी पे हूं अभी मैं बच्चा टर्शियरी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे हूं टर्शियरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे रह रहा हूं तो अगर मैं उसको जो डीनेचुरेशन करना हूं उसको जो प्रोटीन के जो लेवर है जो लेयर है उसको मैं कम करना चाहूं क्या मतलब उसको जो है ब्रेक करना चाहूं बॉन्ड को जो है तोड़ना चाहूं तो मैं क्या करूंगा बेटा टर्शियरी से मैं क्या आऊंगा सेकेंडरी पे आऊंगा सेकेंडरी से प्राइमरी में आऊं प्राइमरी अगर खत्म होगी तो सब खत्म हो जाएगा बच्चा ये तो अपन को पता है प्राइमरी अगर चेंज हो गई तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है ठीक है तो मैं बात करूंगा अगर मैं क्वाड्रेटिक में हूं क्वाड्रेशन पे हूं क्या बच्चे अगर मैं बच्चे क्वार्टरनरी पे हूं ठीक है अगर मैं बच्चे क्या करूं क्वार्टरनरी पे हूं क्वार्टरनरी से कहां पे आ जाऊंगा मैं ठीक है क्वार्टरनरी से मैं आ जाऊंगा टर्शियरी पे आऊंगा बच्चा मैं सेकेंडरी पे
ठीक है। इस प्रकार से अगर डिप्लॉय होता जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का डिप्लॉय होता जाता है, तो उसी को बोलेंगे बच्चे हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण। अगर प्रोटीन में डिप्लॉय होता है बच्चे, तो इसको बोलूंगा प्रोटीन की विकृतीकरण। ठीक है, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी सामान्य प्रोटीन जो होता है उसके भौतिक गुणों में, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके शेप में परिवर्तन हो जाना, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, या फिर बच्चे उसके ताप में, ताप कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर देने से उसकी परिवर्तन हो जाना, थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर टेम्परेचर देने से उसमें क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना, ये हमारा क्या होता है बच्चा, परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या होगा अगर सामान्य प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है बेटा, उसके जैविक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे विकृतीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकृतीकरण। एक सटीक से एग्जांपल देता हूं, आपके एग्जाम में कभी आ सकता है, फिर ठीक है, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिर कहीं भी आ सकता है। जो हमारा एग होता है प्यारे बच्चे, जो हमारा एग होता है, ठीक है, हमारा जो अंडा होता है, ठीक है, अंडा जो होता है, ठीक है, अब इस अंडे को जब आप गर्म करते हो, बॉइल करते हो, मतलब यहां पे भौतिक चेंजेस हो रही है, ठीक है, जब बॉइल करते हो बेटा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो येलोइश कलर का होता है बेटा, ठीक है, येलोइश कलर का प्रोटीन होता है। अब जब उसको गर्म करते हो तो क्या करते हैं बेटा, वो हमारा जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का, वो क्या करता है, डिप्लॉय होता जाता है, टर्सरी से भैया सेकेंडरी में आ गया, सेकेंडरी से प्राइमरी में आ गया, ऐसे क्या करते हैं, डिप्लॉय करता रहता है। डिप्लॉय करने के बाद बेटा इसका क्या होता है, एक जो एक व्हाइट होता है, यहाँ पे येलोइश कलर का होता है, या पूरा व्हाइट यहाँ पे रहता है, ठीक है, पूरा व्हाइट यहाँ पे रहता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जब हम अंडे को गर्म करते हो, तो अंडे को गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो व्हाइट कलर का रहता है अंडे के अंदर, वो क्या होता है, अलग अलग दिखता है, हमको जो येलो कलर का रहता है बेटा, वो क्या होता है, जम जाता है और वो अलग कलर का दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन्स क्या हो जा रहा है बेटा, डिप्लॉय हो जा रहे हैं, समझ में आया, प्रोटीन्स क्या हो जा रहे हैं, डिप्लॉय हो जा रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरा का पूरा जो है विकृतीकरण पूरा समझ गए, प्रोटीन्स के बारे में समझ गए। अब प्रोटीन्स क्या चीजें होती है, कैसे चीजें होती है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोटीन्स के फंडे हम लोग खत्म कर चुके हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर बच्चे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अनदर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, वहां पे डीएनए और आरएनए के बारे में मैं बात करूंगा कि डीएनए और आरएनए कैसे होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अभी के लिए बच्चे ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।